दोस्तों साल 2021 की शुरुआत हो चुकी है, जहां साल 2020 के खत्म होने के साथ ही लोगों का इंतजार भी खत्म हो चुका है। जी हां, यहां हम बात कर रहे हैं KGF 2 की, जिसका फर्स्ट पार्ट इतना ज्यादा जबरदस्त रहा कि लोगों को तभी से इसके सेकंड पार्ट का काफी बेसब्री से इंतजार है और अब दर्शकों का इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है। जैसा कि सब जानते हैं कि कुछ दिनों पहले ही फिल्म का टीजर लॉन्च किया गया है, जिसमें फिल्म के किरदारों का फर्स्ट लुक दिखा है, जिसे देखकर दर्शकों की दीवानगी और ज्यादा बढ़ चुकी है, जो इस टीजर के व्यू से साफ जाहिर होती है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको KGF 2 के बारे में नहीं, बल्कि इसकी दमदार स्टार कास्ट की रियल लाइफ सिस्टर से रूबरू कराने वाले हैं, जो काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं और दिखने में काफी ज्यादा सुंदर भी, और जिनसे ये सितारे काफी ज्यादा प्यार करते हैं, साथ ही एक काफी खूबसूरत बॉन्ड भी शेयर करते हैं। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं और रूबरू होते हैं इन सितारों और इनकी बहनों से। नंबर एक, श्रीनिधि शेट्टी। फिल्म में रीना यानी रॉकी की प्रेमिका की भूमिका पर्दे पर उतारने वाली अभिनेत्री हैं श्रीनिधि शेट्टी, जिन्होंने अपनी इस फिल्म से काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग बटोरी है और दर्शकों को एक बार फिर इस फिल्म के सेकंड पार्ट के साथ दीवाना बनाने की तैयारी में हैं। इसी के साथ बात करें इनके रियल लाइफ सिस्टर के बारे में, तो बता दें कि इनकी दो बहनें हैं, जिनमें प्रियंका और अमृता शेट्टी के नाम शामिल हैं। दोनों ही उम्र में इनसे बड़ी हैं। इनकी दोनों बहनें लाइमलाइट से कोसों दूर हैं और यही वजह है कि इन दोनों के बारे में बहुत ही कम जानकारी और तस्वीरें उपलब्ध हैं। नंबर दो, प्रकाश राज। जी हाँ, फिल्म की स्टार कास्ट में एक और नाम सामने आ रहा है, वो नाम है बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के मशहूर खलनायक प्रकाश राज का, जिनका इस फिल्म में क्या किरदार होने वाला है इस बात को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, पर खबरें हैं कि इस फिल्म में ये काफी ज्यादा दमदार किरदार में नजर आने वाले हैं, जो इनके करियर में चार चांद लगाने वाला है। इसी के साथ बात करें इनकी रियल सिस्टर के बारे में, तो बता दें कि इनके केवल एक भाई हैं और इसके अलावा इनकी कोई सिस्टर नहीं है, पर इनके भाई के साथ इनका इतना अच्छा बॉन्ड है कि इन्हें कभी भी अपनी बहन की कमी नहीं खली। नंबर तीन, रवीना टंडन। फिल्म में रमिका सेन की जबरदस्त भूमिका पर्दे पर उतारने वाली अभिनेत्री हैं रवीना टंडन, जिन्होंने काफी समय बाद अपने किरदार के लिए काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। वहीं बात करें इनकी रियल लाइफ सिस्टर के बारे में, तो बता दें कि रवीना टंडन की अपनी कोई सगी बहन नहीं है, लेकिन हसन को अपनी सोल सिस्टर मानती हैं, जिनसे इनका प्यार देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों असल जिंदगी में भी एक दूसरे की सगी बहनें हैं, जैसा कि इन तस्वीरों में भी साफ जाहिर होता है। चार, अर्चना जॉयस। कड़ी में एक नाम अर्चना जॉयस का शामिल है, जिन्होंने फिल्म में रॉकी भाई की मां का किरदार अदा किया था और अपने इसी किरदार से अर्चना ने लाखों दिलों में अपने लिए जगह बना ली थी। वहीं बात करें इनकी रियल लाइफ बहन के बारे में, तो बता दें कि इनकी कोई सिस्टर नहीं है और ना ही ये किसी को अपनी बहन मानती है। नंबर पाँच, संजय दत्त। फिल्म का जो हाल ही में टीजर रिलीज किया गया है, उसमें संजय दत्त की झलक भी देखने को मिल रही है, जिसमें इनका पूरा लुक रिवील ना होने के बावजूद दर्शक अभी से इनके इस लुक की काफी ज्यादा तारीफें कर रहे हैं। इसी के साथ बात करें इनकी रियल लाइफ सिस्टर के बारे में, तो बता दें कि इनकी दो बहनें हैं, जिनमें नम्रता दत्त और प्रिया दत्त के नाम शामिल हैं, जहां ये दोनों ही उम्र में इनसे बड़ी हैं। नम्रता दत्त पेशे से एक हाउसवाइफ हैं, तो वहीं प्रिया दत्त पेशे से एक पॉलिटिशियन हैं। बड़ी बहन होने के कारण इन दोनों ही बहनों ने माता पिता के जाने के बाद संजय दत्त को काफी ज्यादा सपोर्ट किया है और हमेशा ही उनके हर सुख दुख में खड़ी रही हैं। यही वजह है कि संजय दत्त भी अपनी बहनों की हर एक इच्छा को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते। छह, यश। चलिए अब बात करते हैं फिल्म की जान यानी यश के बारे में, जिन्होंने फिल्म में रॉकी भाई का किरदार पर्दे पर उतार कर आज सभी को अपना दीवाना बना लिया है। बात करें इस दमदार कलाकार की रियल लाइफ सिस्टर के बारे में, तो बता दें कि इनकी सिस्टर का नाम नंदिनी है, जो उम्र में इनसे छोटी है और आज शादी करके अपना घर बसा चुकी हैं। बता दें कि इनकी बहन को लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं है और यही वजह है कि इनकी बहुत ही कम तस्वीरें और जानकारी उपलब्ध है, लेकिन भले ही इन दोनों की ज्यादा तस्वीरें उपलब्ध ना हो, फिर भी इन दोनों के बीच काफी अच्छा रिश्ता है, जहां इन दोनों के बीच मस्ती भरी नोकझोंक भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आपको फिल्म में कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी ऐसी ही तमाम नई अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।